हेलो एंड वेलकम टू 2 या 3 ब्लॉग। कैसे भाई आप लोग? मैं तो पिछले कुछ दिनों से अच्छा फील नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने वीडियोस भी अपलोड नहीं की। पर आप लोग में से बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, मेरा हाल चाल पूछा। तो थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों ने मेरी केयर की। और साथ ही में जिन्होंने भाई मिस कर दिया हमारा एक वीडियोज 5 रीज़न नॉट टू बाय होंडा SP125, उसमें 1,00,000 व्यूज़ पार हो चुके हैं। तो भाई आज तो मैं आप लोगों को थैंक यू जरूर बोलूँगा, क्योंकि बस हम लोगों ने, दो आदमी ने मिलकर इस वीडियो को बनाया और आप लोगों ने मिलकर इस वीडियो पे 1,00,000 से ज़्यादा व्यूज़ कर दिए। भाई थैंक यू भाई, आज तो दिल से थैंक यू बनता है। तो इस हफ्ते आसिफ भाई ने, देवाशीष भाई ने और चंदन भाई ने नई बाइक खरीदी है, जिनका फोटो उन्होंने हमारे इंस्टाग्राम आईडी 2 यादरी ब्लॉग पर शेयर किया है। तो हमारे 2 यादरी ब्लॉग के पूरे फैमिली की तरफ से भाई कंग्रेचुलेशन। सही से भाई आप बाइक राइड कीजिएगा एकदम सेफली। तो चलिए शुरू करते हैं गपशप एपिसोड 17 और एक करके आपके सभी कमेंट्स का आंसर करते हैं। इस हफ्ते भी आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, जैसे कि SP125 और ग्लैमर का माइलेज टेस्ट कीजिए। और सबसे ज़्यादा जो कमेंट मेरे पास में आया है वो ये है कि SP125 में फ्रंट शॉकर से एक कट की आवाज़ आती है जब भी वो गड्ढे में जाती है बाइक। तो मैं आपको बता दूं कि वो आवाज़ आती कहाँ से और क्यों आती है। तो यहाँ पर जो आप ये इंजन गार्ड देख रहे हैं, जब भी ये फ्रंट वाला मडगार्ड से होता है टच, जब भी बाइक जाती है गड्ढे में तो ये शॉकर अंदर जाती है और ये यहाँ पर टच होती है, जिससे कि मैंने देखा है बहुत सारे बाइक में यहाँ पर एक निशान भी आ जाता है यहाँ से टच होने के बाद, क्योंकि ये जो इंजन गार्ड है ये सही से फिट नहीं होता है। तो मेरे बाइक में भी आती है आवाज़, पर यहाँ पर कहीं भी टच नहीं होती है वो। तो एक बार आप देख लीजिए इसका अलाइनमेंट, कहीं आपके बाइक में ये सही से अलाइन किया हुआ ना हो, तो इसीलिए वो आवाज़ आती है। तो जो आवाज़ आने वाली मेन प्रॉब्लम है भाई वो इससे है, तो इसको आप सही करा लीजिए, आपकी जो बाइक से आती है आवाज़ वो सही हो जाएगी। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने कमेंट्स के ऊपर। तो पहला जो कमेंट है वो है यादव जी का, जो बोल रहे हैं कि टैंक इज मेड ऑफ स्टील और फाइबर, प्लीज टेल। तो भाई पूछना चाह रहे हैं कि ऐसे में जो टैंक है वो फाइबर की बनी है या फिर स्टील की। तो मैं आपको अच्छा से एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो मेन फ्रेम है ये तो आपकी स्टील की है, ठीक है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसकी विंग्स एक्सटेंशन जो देखना है, ये आपकी फाइबर की है। ये वाली पार्ट फाइबर है, ये वाली पार्ट फाइबर है। बाकी जो ये मेन फ्रेम है वो तो भाई लोहे की होती है, तो उसी की है। अगला कमेंट है पुष्पेंद्र भाई का, जो बोल रहे हैं कि ब्रो मुझे एक डेली कम्यूट के लिए, ऑफिस जाने के लिए एक बाइक चाहिए, उसे वो परचेज करना चाहते जिसमें कि माइलेज उनकी मेन प्रायोरिटी है। तो ब्रदर आप लोग को जल्द ही कमिंग वीक्स में SP125 और ग्लैमर 125 का भी 1 लीटर का माइलेज टेस्ट का वीडियो मिल जाएगा। वीडियो शूट हो चुका है, अंडर एडिटिंग है, जैसे जैसे वो वीडियो एडिट हो जाएगी और टाइमली वो वीडियो आप लोग को आ जाएगी। इसीलिए जो जो अब तक बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके भाई चैनल को उसका बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिए, ताकि वो वीडियो आप लोग मिस नहीं करें, क्योंकि भाई उसमें बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स आए हैं जो देखने के बाद भाई आप लोगों को मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट कमेंट है शुरू का, जो बोल रहा है कि साइन SP 2017 वाली मॉडल यानी BS4 मॉडल में वो साइन SP BS6 जो न्यू आई है ये वाली, इसका जो ये पूरा हेडलाइट है, ये पूरा सेटअप, वो चाहते हैं कि ये पूरे हेडलाइट का सेटअप वो अपने BS4 वाले बाइक में लगवाए। तो ब्रदर आप देख लीजिए, ये जो पूरा सेटअप ये पूरा चेंज्ड है, इसे लगाने के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे और वो अच्छे से एडजस्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि तो इसमें भाई डिजिटल मीटर है जो कि ECU से वर्क करती है और BS4 वाली बाइक में तो ECU है नहीं, इसीलिए ये सेटअप आप BS4 वाली बाइक में इंस्टॉल नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है SK जी का, जो बोल रहे हैं ब्रो क्या मैं SP125 में मोबाइल चार्जर लगा सकता हूँ, क्योंकि उन्हें अपने बाइक में मोबाइल चार्ज करने का ज़रूरत होता है। और ये पूछ रहे साथ में कि क्या उसे बैटरी पर कोई असर पड़ेगा। तो ब्रदर ऐसे मोबाइल चार्जर लगाने से बैटरी पे कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग देखे होंगे तो जो न्यू बाइक आई है ग्लैमर ब्लेज, उसमें चार्जिंग पोर्ट पहले से ही इंस्टॉल करके दे रही है कंपनी, इसीलिए अगर आप ये सब बाइक में लगवा सकते हैं तो लगवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले भी TVS के बाइक में चार्जिंग पोर्ट आती थी तो उससे बैटरी में ऐसे कोई असर नहीं पड़ता था। पर एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा टेक फ्रेंडली हूँ, मतलब मुझे पसंद है गैजेट्स और मोबाइल, मतलब थोड़ा मैं उसमें इंटरेस्ट रखता हूँ, इसीलिए उससे होगा ये कि जब भी आप
बैटरी से मोबाइल चार्ज कीजिएगा बहुत ज़्यादा टाइम तक, तो आपकी मोबाइल की बैटरी भाई ख़राब हो सकती है, पर बाइक की बैटरी में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट कमेंट है सुधीर जी का, लेकिन उसके पहले भाई आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ एक प्यार से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। कुछ ही वीक में आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त वीडियो इसमें देखने को मिलेंगे एकदम टाइमली, अब मैं डिले नहीं करूँगा। और हमारे इंस्टाग्राम आई टू या थ्री ब्लॉग, यहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए। और अगर आप कहीं बाइक खरीदने जाते हैं और स्पेशली दुमका के अगर आप हैं, तो टू या थ्री फैमिली कूपन कोड यूज करके कुछ सेलेक्टेड शोरूम पे आपको हैवी डिस्काउंट भी बाइक में देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप अगर बाइक खरीदने जा रहे हैं तो एक बार प्लीज़ इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज ज़रूर कर दीजिए, ताकि कुछ ना कुछ आपको हम लोग डिस्काउंट दिला सके। तो सुधीर भाई बोल रहे थे यार एसपी में कभी कभी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, क्या करूं? तो ब्रदर देखिए, मैंने देखा है बहुत सारे भाई जो हैं वो BS6 बाइक को स्टार्ट करते टाइम में वही BS4 वाली टेंडेंसी रखते हैं। मतलब BS6 बाइक का जो सेल्फ रहना है उसका एक तरीका है, जो कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, आप आके देखिए। तो की को ऑन करते हैं और उसके बाद जो फ्यूल पंप से एक साउंड आता है हमिंग साउंड, उसे बंद होने देते हैं। और फिर जो आपको सेल्फ लेना है उसमें आपको एक्सलेटर को ऐसे टर्न नहीं करना है। जब BS4 बाइक थी उसमें आप लोग को सेल्फ लेते टाइम में इसको ऐसे टर्न भी करना होता था, पर इसमें बस आपको इस स्विच को, जो भी सेल्फ की स्विच है उसे आपको प्रेस करना है। ये देखिए, बस मैंने स्विच को प्रेस किया अपने थंब से और ये बाइक स्टार्ट हो गई ब्रदर। इसीलिए आप ऐसे एक्सलेटर मत लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे भाई को देखा है ऐसे कि वो इसे दबाते हैं और ऐसे एक्सलेटर भी लेते हैं, ठीक है? तो इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। इससे कई कई बार होता ये है कि साथ में जब आप एक्सलेटर कर लेते हैं ऐसे तो बाइक आपकी स्टार्ट नहीं होती है, तो आप लोगों ने देख लिया भाई। तो यही चीज़ आप लोग भी कीजिए, आपकी बाइक ज़रूर स्टार्ट होगी। नेक्स्ट कमेंट है अंकुश का, जो बोल रहे हैं मेरी बाइक का नंबर प्लेट कब आएगी। ब्रदर मेरी बाइक की नंबर प्लेट लगभग 1.5 महीने में आ गई थी, क्योंकि अब तो न्यू नंबर प्लेट आ रही है लगभग सभी बाइक की, देखने में एक जैसी होती है। तो थोड़ा टाइम दीजिए, वो आराम से आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है कमराज जी का, जो बोल रहे हैं कि भाई मेरा वेट 90 kg है, मैं SP लूँ या यूनिकॉर्न, उनको SP का मीटर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भाई जहाँ तक वेट का सवाल है, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ आपसे, बस 10 kg ही कम हूँ। मेरा वेट 80 kg है, तो इसीलिए बाइक में वेट से भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। हाँ, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि बस मुझे उसका मीटर पसंद है इसलिए मैं वो बाइक परचेस कर लूँ, तो ऐसा मत कीजिए। सिर्फ मीटर मत जाइए, आप मेन देखिए उसका इंजन। अगर आपको थोड़ा लॉन्ग राइड तक बाइक चलाना होता है, जैसे कि लगभग डेली की 100 किलोमीटर चलाना है आपको या 80, तो फिर आप जाइए यूनिकॉर्न के साथ में। और अगर आप ऐसे कभी कभी बाइक चलाते हैं नॉर्मली 50-60, तो आप SP के साथ भी भाई जा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है रोहन का, जो बोल रहे हैं कि होंडा SP में डिजिटल फ्यूल मीटर में पेट्रोल कितना होता है, एक ब्लिंक में कितना होता है, दो ब्लिंक में कितना होता है, प्लीज़ बताओ। तो इसके ऊपर भाई मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसमें कि मैंने आपको होंडा SP की रियल टैंक फिट दिखाई है, और उसमें मैंने मीटर से सारा जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आता है और एक लाइन में कितनी पेट्रोल होती है वो सारा कुछ अच्छे से बता के रखा हूँ मैं। तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाके देखिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और ऊपर आपको आई बटन में भी लिंक शो हो रहा होगा। नेक्स्ट कमेंट है मोटो बाइकर का, जो बोल रहे हैं कि भाई आप कितने स्पीड तक SP को लेके गए हो। मेरा तो 106 है, तो मैंने SP को हाईएस्ट 90 km/h की स्पीड तक से मैं लेके गया हूँ, उससे ज़्यादा मुझे लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि रोड्स मेरे एरिया में उतने अच्छे नहीं हैं और मेरे पास भाई सूटेबल गियर भी नहीं है। तो मेरा तो हाईएस्ट भाई 90 है, और वो बोल रहे हैं कि मेरा भी एक चैनल है, मैं ही वीडियो बनाता हूँ। तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप भी वीडियो बनाते हैं, अच्छे से वीडियो भाई बनाइए। और नेक्स्ट कमेंट है AGU, जो कि हैशटैग गपशप यूज़ किए हैं, तो ऑब्वियसली उनका कमेंट मैंने डायरेक्टली पिक कर लिया, जो बोल रहे हैं कि लीबो और SP दोनों में किसका माइलेज ज़्यादा है। तो भाई इसमें SP जो बाइक है ना, वो 125 cc में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक है, इसीलिए लीबो और SP का माइलेज लगभग मतलब लीबो तो 113 cc को होगी आपकी, लेकिन 113 cc होने के बाद भी वो SP को माइलेज में टक्कर नहीं दे पाएगी, कहीं ना कहीं भाई थोड़ा मोड़ा माइलेज ज़्यादा SP का ही निकल के आने वाला है। और ये बोल रहे हैं क्या आप लीवो सजेस्ट करेंगे जिनके पास SP का बजट नहीं है, तो एकदम भाई आप लीवो लीजिए, क्योंकि लीवो का जो डिज़ाइन है वो आप देखेगा लगभग SP के जैसा ही है, उसके विंग्स छोटे हैं, मतलब आपको लगेगा एक छोटा SP है वो, ठीक है लीवो। तो अगर आपके पास बजट नहीं है
तो आप लीहो भी ले सकते हैं, वो होंडा की 110 सीसी में प्रीमियम बाइक है। नेक्स्ट कमेंट है सोनू का, जो बोल रहे हैं कि ब्रो ग्लैमर वर्सेस साइन वर्सेस एसपी 125 में बिल्ड क्वालिटी किसकी स्ट्रांग है और मेंटेनेंस कॉस्ट किसका कम है। तो ब्रदर आपने जितने बाइक का नाम यहाँ पे लिखा है वो सारे बाइक भाई बजट बाइक है, कम्यूटर बाइक है, तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भाई कुछ भी नहीं लगता है। और जहाँ तक बात है बिल्ड क्वालिटी का, तो मुझे सबसे स्ट्रांग बिल्ड क्वालिटी लगती है एसपी की, उसके बाद ग्लैमर की और फिर आपकी साइन की। तो ये भाई एक सीरीज थी हायरकी सीरीज, तो इसमें आप लोग जान सकते हैं कि किसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो ये हमारा लास्ट कमेंट था। तो इसी के साथ भाई मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आप लोग न्यू बाइक परचेज करने जा रहे हैं तो 2 या 3 फैमिली कूपन कोड यूज कीजिए, जिससे कि आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आप दुमका के अगल बगल रहते हैं तो प्लीज़ एक बार इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज जरूर कीजिएगा, हम आप लोग को एक शोरूम बताएंगे जहां पर जाके आप अच्छे से डिस्काउंट में बाइक परचेज कर सकते हैं। तो बस आपको एक बार इंस्टाग्राम पे कमेंट करना है, बाकी हम लोग भाई संभाल लेंगे। तो फिर से लास्ट में एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे माइलेज टेस्ट के वीडियोज़ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे कमिंग डेज में। और अगर आप लोग को पर्टिकुलर बाइक का करवाना चाहते हैं माइलेज टेस्ट हमसे, या फिर कोई भी स्कूटी जो भी माना आपको, तो आप कमेंट कीजिए नीचे, हम लोग सभी कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, फिर हम उस बाइक के ऊपर आपको माइलेज टेस्ट करके जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो आप लोगों को दिखा देंगे। और हम लोग जो माइलेज टेस्ट करते हैं वो करते हैं पूरे 1 लीटर से, जिसमें कि होता ये है कि 1 लीटर से माइलेज टेस्ट करने के बाद आप लोगों को लगभग सही माइलेज चलता है पता। अगर आप 200 ml पेट्रोल से कीजिएगा, उससे होता ये है कि थोड़ा पेट्रोल बाइक में फंस जाता है पंप में और सही से माइलेज नहीं आ पाता है। तो इसी के साथ भाई मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ऑब्वियसली होने वाली है माइलेज टेस्ट की वीडियो। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड सेफ राइड।